N-I-C-O. Yeah, yeah. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos, parecen de un universo muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel, vamos a hacerlo una noche. Welcome back to my channel. My name is Jyoti Sethi. Today I have created this very, very, very beautiful look. हाँ, अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी interest है ये जानने में कि मैंने ये makeup look कैसे create करी है, then keep watching this video. तो हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले इस बात से करेंगे कि मैं आपको पहले बता दूं आज की वीडियो की खास बातें क्या है. पहली खास बात ये तो है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ. सो दिस वाज पोस्ट आई पोस्टेड ऑन माय कम्युनिटी टैब. ये जो सारे कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हुए हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते थे, सो आई एम गोना बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस व्हाइल आई डू माय मेकअप. दूसरी खास बात ये है कि मैं यूजुअली जो भी प्रोडक्ट्स मेकअप करते हुए यूज करती हूँ, मैं आज उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने वाली हूँ और कुछ नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ. सो या शुरू करते हैं इस वीडियो को. और सबसे पहले एज ऑलवेज मैं अपना फेस करूंगी मॉइस्चराइज. Now the face is moisturized, we're gonna move on to the primer. Primer I'm gonna use for this look is gonna be the one from Sugar Cosmetics. This is Base of Glory. और आज जो हम फाउंडेशन यूज करने वाले हैं वो डेफिनेटली मैक का नहीं है. आई एम गोना बी यूजिंग द वन फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक. सो दिस इज देयर ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन शेड नंबर 42. दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक. दिस इज अ वेरी वेरी लिक्विडी फाउंडेशन. सो ये बहुत ज्यादा लिक्विडी होने के कारण इसकी जो कवरेज है वो बहुत लाइट है. लाइक आई वुडंट इवन कॉल इट अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. सो सबसे पहला क्वेश्चन वो है साबी सारा का. शी सेज we want to know how did you start your acting career and when did you get your first break and tell us about your current projects. यार एक्चुअली एक्टिंग में आना मेरी किस्मत में था. मेरी एक फ्रेंड है रीत, उसका एक कोई जानने वाला था फोटोग्राफर. उसने मेरे को रीत की प्रोफाइल में लाइक फेसबुक, उस टाइम पे फेसबुक बहुत ज़्यादा इन हुआ करता था. सो अब इसको ब्लेंड करने के लिए जो स्पंज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मुझे भेजी है पीआर में एक कंपनी ने जिसका नाम है दी ड्रग स्टोर कंपनी. फोटोग्राफर का नाम था ओमकार. सो ओमकार ने मेरे को बेसिकली रीत के प्रोफाइल में देखा और ओमकार ने बोला कि यार यू नो शी हैज़ अ गुड फेस इफ शी इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ फोटो शूट डन फ्रॉम मी. तो पहले आई वॉज नॉट रियली रेडी, बट इफ आई रिमेंबर इट राइट आई थिंक रीत वॉज द वन टू कन्विंस मी कि करा लो. सो और उसने क्या है करा लो, ऑफिस के बाद चले जाओ. बिकॉज आई यूज टू वर्क इन इमिग्रेशन बिफोर दिस. उसकी भी एक अलग स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊंगी. सो फाइनली आफ्टर थिंकिंग अलॉट मैं उस फोटोशूट के लिए चली गई एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मेरे फेस पे एक्चुअली प्रॉपर ऐसे मेकअप लगा था. और मैंने अपने आप को देखा मेकअप के बाद तो मैंने बोला अरे मैं तो बहुत सही लग रही हूँ. फिर वो फोटोज आई और वो फोटोज मैंने बहुत शौक में ऐसे ही बस फेसबुक पे डाल दी. और वो जब फेसबुक पे मैंने फोटोज डाली तो एक दो लोग ऐसे लगा कि शायद मैं मॉडल हूँ. एक दो मुझे मैसेजेस आए कि क्या डू यू वांट टू डू अ सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग. तो मैंने सोचा वाह यार बड़ा इजी है, फोटो डालते ही मेरे को तो ऑफर्स आने लग गए हैं. तो मैंने बोला ठीक है. फिर दैट्स हाउ बेसिकली आई स्टार्टेड डूइंग दिस. अभी करंट प्रोजेक्ट्स यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. बेसिकली जितना टाइम भी मैं एक्टिंग फील्ड में थी आई वॉज नॉट रियली आई डोंट नो, मतलब मेरा कभी ना वो वाला जो कनेक्शन होता है ना, जो प्यार होता है किसी आपके काम से, वो कभी भी इस फील्ड से बैठा ही नहीं. लाइक आई नेवर फाउंड दैट लव फॉर माई वर्क टिल द टाइम आई वॉज इन एक्टिंग करियर. आई लव एक्टिंग बट उसके साथ जितना भी बैगेज आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दैट इज़ नॉट मी. तो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी. तो अभी मैं अपने यूट्यूब पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ. तो आई एम नॉट रियली वर्किंग ऑन एनीथिंग. सो आई एम गोना मूव ऑन टू द कंसीलर. आई एम सॉरी बट आई हैव टू यूज द मैक का कंसीलर बिकॉज आई डू नॉट रियली हैव अनदर वेरी गुड कंसीलर राइट नाउ विद मी. जस्ट वन पंप एंड वी आर सॉर्टेड.
before I apply this, I'm going to take the second question. It's from Glossy Tips. She says, उसके तीन questions हैं. First question is, how do you manage your acting shoot on YouTube? जैसे कि मैंने अभी जवाब दिया, I'm not really acting anymore. So मेरे को ऐसे time manage करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. I'm mostly shooting and editing my YouTube videos. So I don't really have to manage anything. Like, how much time do you keep for shooting a YouTube video and editing them? इसका ऐसे कोई पर्टिकुलर आंसर हो नहीं सकता है. वो तो डिपेंड करता है आप कैसी वीडियो बना रहे हो, उसमें कितना टाइम लगेगा. अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप इसमें लग जाते हैं एक दो घंटे लग जाते हैं. ऑब्वियसली जब मैं एडिटेड पार्ट डालती हूँ तो काफ़ी बीच में से कट कट करके डालती हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि हाँ सिर्फ 20 मिनट में मेकअप हो गया, ऐसा नहीं होता. बट जब आप काम करते करते बात भी कर रहे हो तो इनफैक्ट आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. एंड देन एज फार एज एडिटिंग इज कंसर्न्ड, अगेन इट डिपेंड्स वॉट काइंड ऑफ वीडियो इट इज़ एंड किस तरीके की उसको एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी. बट सो देर इज़ नो पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन शी हैज़ इज़, डू यू डू जिम एज वेल? येस, नाउ आई हैव स्टार्टेड जिम. फ्रॉम लास्ट वन मंथ आई हैव बीन गोइंग टू द जिम. ओके, नाउ द अनदर वेरी न्यू थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज़, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया, आई यूज टू नॉट बेक माई फेस रियली. So I am gonna be using this banana powder from Makeup Revolution and we are gonna bake. Now I'm gonna leave it on for like 2 minutes. Okay, now we're gonna do our eyebrows, and for eyebrows I'm gonna use this eyebrow pencil from Jacqueline. This was also sent to me in PR by Jacqueline. Okay, now I'm gonna move on to using the brushes. So it's time that I show you the makeup brushes I was sent in PR from a brand. The brand's name is La Cara, and that this is how the package looks like. ये बाहर से उन्होंने, ये उनका bag है, उसके अंदर से निकलेंगे makeup brushes का set. बहुत ही beautiful packing है यार. मतलब usually makeup brushes ऐसे इस तरीके से pack होके नहीं आते हैं. You open the bow. What it is from the inside. They have total 10 brushes. So for removing my baking, I'm gonna take La Cara F004. Oh, very soft. Nice. I have this compact from the brand called Color Sense, which I have never used. I don't think I've even opened it. Yes, it's completely packed. This was sent to me, I don't remember when. Bahut pehle bheja tha, but I never just could use it. So we're gonna use it today. Okay, this is how it looks like. So for applying this, we're gonna take another brush from La Cara in the number 1. Okay, let's move on to contour. For contouring, I'm gonna use this palette from Wet n Wild. And we're gonna take another brush from La Cara brushes set in the number 003. Priya Singh says, how do you plan your holidays every month? Even I'm like you, I love to explore but in budget. ये तो किसी से छुपा नहीं हुआ है कि मैं बहुत holidays लेती हूँ, और सबकी सब holidays budget में होती है. So हम लोगों का actually holiday इस चीज़ पर depend करता है कि कब हमारे पास time है. हम दोनों ही एक holiday ले सकते हैं, plus जब हमें लगता है that we have enough money to take a holiday, that's when we start planning. It mostly depends on that. Not that लेते ही लेते हैं और लेना ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है. रुचिका जोशी अरोड़ा says, hey dear, मुझे भी आप जैसे यूट्यूब चैनल पर आना है, ब्लॉगिंग करनी है, पर हाउ, कुछ भी नहीं पता, कैसे, प्लीज़ हेल्प मी. जब से मेरे चैनल पर थोड़े ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, तब से मेरे पास DMs भी आते हैं, कॉमेंट्स भी आते हैं कि आप बताओ क्या करें. यार इसमें बताने के लिए आई डोंट थिंक कुछ भी है. लाइक इसमें मैं क्या बताऊँ, इसमें यू have to do it on your own. Pick your phone, start vlogging, whatever you want to do, watch a lot of videos. उसके बाद आपको जो भी लगता है, आप उसमें से जो भी grasp कर सकते हो, आप वो करो दूसरों की videos देख के. And हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी बने, output बहुत अच्छी आए, और हो सकता है कि वैसे इतनी अच्छी ना आए. तो वो तो आप जब करोगे तभी पता चलेगा. सो आई डोंट अंडरस्टैंड जब लोग पूछते हैं बताओ कैसे शुरू करें. ऐसे शुरू करो कि आप फ़ोन उठाओ और करना शुरू करो. जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट. दैट्स द
biggest advice and most practical advice I can give anybody who wants to get into YouTube, and actually for that matter actually anything in life. अगर आप सोचते ही रहोगे तो शुरू कब करोगे? So you have to start doing it. Now for my nose contouring, I'm gonna take another brush from Lakara in the number 006. I'm gonna take next question. You can talk about your relationship with your husband. Do you guys go through fights and arguments? And how do you both sort it out and discuss how do you handle hate comments? And no, we don't fight at all because we are not humans. Of course we fight. Of course. We fight like cats and dogs most of the times. Bahut ladai hoti hai hamari. I'm gonna use this sugar ka blush in the shade Coral Climax. And for that, I'm gonna use Lakara number 002. Oh, by the way, this was a question asked by Assam Entertains You. Unhi ka next ek aur question bhi hai. How do you handle hate comments, which sometimes is very disheartening and demotivate hai. मेरे को कुछ कुछ ऐसे hate comments हैं जिन पे मैं actually हंसती हूँ guys. मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई कैसे लिख सकता है ऐसे. और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और हर कमेंट का जवाब मैं नहीं देती हूँ. मैं बस इतना करती हूँ, उस हर कमेंट का जवाब मैं अपने मन में ज़रूर देती हूँ. लेकिन मेरी आदत है, जैसे ही मैं कोई हेट कमेंट पढ़ती हूँ उसका जवाब मेरे मन में अपने आप आ जाता है. आई डोंट राइट इट. दैट इज़ द वेरी ऑनेस्ट टेक ऑफ मी ऑन हेट कॉमेंट्स. बट मुझे दुख बिल्कुल नहीं होता है, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होती हूँ. बढ़ते हैं हाईलाइटर की ओर. फॉर हाईलाइटिंग आई एम गोना टेक दिस ग्लो किट फ्रॉम अनस्तासिया बेवरली हिल्स. आई एम गोना यूज दिस स्टार बर्स्ट शेड. फॉर दैट आई एम गोना टेक दिस फैन ब्रश फ्रॉम लकारा. मुझे यूज करने पे इतना कुछ मजा नहीं आया. लेट मी जस्ट ट्राई दिस अगेन. आई एम गोना टेक माय ओल्ड फैन ब्रश जो मैं यूजली यूज करती हूँ from Pro Art. Okay, I didn't really like the fan brush of theirs, so I'm gonna use my old one for this. And we're gonna move on to eyes. कि आज हम थोड़ी अलग टाइप की आईज करने वाले हैं. So let me just zoom in my camera and I will be right back. So since we're gonna do a black eyes look, it's gonna be all black, smoky and all that. So for that हम लोग को जो बेस चाहिए वो हमारा बेस ब्लैक होना चाहिए. So yeah, for that I'm gonna take a whole eye pencil. So what I'm gonna do is, सबसे पहले I'm gonna put this kajal on to my lids. Okay, now for blending this kajal, I'm gonna take Anastasia Beverly Hills Subculture palette. You can take any black shade from any palette. It doesn't have to be from an expensive palette. And I'm gonna use this brush from Lakara. This is in the number 08. Now I'm gonna take another brush. This is from Pro Art in the number 23, and it is like a fluffy brush. And I'm gonna take this brown shade. So I'm gonna do the same thing with my other eye and get back. Now for this look, I don't think I need an eyeliner. I think this is good to go, and I'm gonna put some mascara now. And this mascara I've actually used now more than 10 times, and I freaking love it more than any other mascara I've ever used. This one is from Bella Waste. Now I'm gonna put some highlighter in the inner corners of my eyes and here also. And for that I'm gonna be taking the same shade Starburst. For that I'm gonna take another very small brush. Okay, so now we're gonna move on to our lipstick, and for that we have to line our lips. First of all, I'm gonna take this Lipping on the Edge lip liner from Sugar Cosmetics. It is in the shade number 03.
For the lipstick shade, we're gonna use Nothing Else Matters Long Wear lipstick segment, and it is in the number 15 Beige Turner. Okay, so we are all done with the makeup, and we are just now gonna fix all this what we have done with a makeup fixer. It is from the brand Swiss Beauty. This is the one. Shake it, use it. Okay, now I'm gonna zoom out and I'm gonna fix my hair and I'm gonna come back to you. Okay guys, so my hair is done. I've just kept straight hair. Yeah, that's the easiest and it looks very classy. So the earrings I'm gonna wear with this dress are these really classy, like, statement earrings from this brand called Tipsy Fly. Oh, oh god, look at these. Oh my god, I think they look really, really pretty. Thank you so much, Tipsy Fly, for sending these amazing, so beautiful and sexy and classy earrings. Yeah, this is it for this video. I really hope you liked this video. I really hope you liked how I created this look. So if you did, then please do not forget to give this video a big thumbs up, and also do let me know in the comments what kind of other makeup looks or other videos you would like to see on my channel, and also hit the bell button so that every time I upload a video you get the notification. Thank you so very much guys. If you have any questions, then please let me know in the comments. I would love to answer all the questions. Thank you so very much guys. Bye.